तेरी महिमा विच लुक जाऊं, सब मिलेगा प्रभु दी महिमा, रब दी महिमा विच लुक जाऊं, सब मिलेगा प्रभु दी महिमा, रब दी महिमा विच लुक जाऊं, सब मिलेगा प्रभु दी महिमा, रब दी महिमा विच लुक जाऊं। जीवन पल च हर संगत च हर जीवन च, तन मन धन ते जीवन पल च हर संगत च हर जीवन च, प्रभु चक जीवन प्रभु चक दाता, दुख संकट नो तारने वाला, प्रभु चक जीवन प्रभु चक दाता, दुख संकट नो तारने वाला, सब मिलेगा प्रभु दी महिमा, रब दी महिमा विच लग जाऊं, सब मिलेगा प्रभु दी महिमा, रब दी महिमा विच लग जाऊं, सब मिलेगा प्रभु दी महिमा, रब दी महिमा विच लग जा, रब दी महिमा विच लग जा, रब दी महिमा विच लग जा। बाप अते बेटे अते रूह पाक दे नाम उते आमीन। साडे प्रभु यीशु मसीह दा फजल, खुदा बाप दा प्रेम अते रूह पाक दी सांझ तुहाडे नाल होवे। मसीह दे विच प्यारे प्राओ भैणो अते बच्चियो, अज असी पाकमा कलीसिया नाल मिल के एक खास भेद उत्ते गौर करते हाँ। असी अज पाक तसलीस ते भेद नूं मनाउंदे होए होली ट्रिनिटी संडे मनाउंदे हाँ। ये वो दिन है जदों असी पवित्र भेद उत्ते ध्यान करते हाँ, जिसनूं समझना अते समझाउणा बहुत औखा है, पर असीं सारे इस नूं कलीसिया दी सच्चाई दे वजो ईमान दे विच मानदे हाँ। खुदा एक है पर उहदे विच तीन शख्स हन, यानी बाप बेटा अते रूपाक। यह पवित्र भेद साडे उत्ते पवित्र आत्मा दे द्वारा प्रगट किया गया है। इस नूं असीं पवित्र वचना दे विच वी गौर दे नाल वेख सकते हाँ। अते अज पाकमा कलीसिया चाहुंदी है कि असीं इसे ईमान उत्ते गौर करिए, इस नूं मन लईए अते इस नूं दूजियां तक पहुँचाइए। जिस तरह पाक तसलीस खुदा दे विच एक खुदा दे विच तीन शख्स हन अते आपो विच वंडे होए नहीं हन, ठीक उस तरह असी भी कलीसिया दे विच बपतिस्मे दे साक्रमेंट द्वारा मैंबर बनन दे राहीं एक हो गए हाँ अते असी वंडे गए नहीं हाँ। जो साडी सांझ पाक तसलीसिक खुदा दे नाल है, उही साडी सांझ साडे भैन भरावां दे नाल, सब विश्वास करन वालियां दे नाल अते सारी मनुख जाति दे नाल है। आओ सी अज दी पाक मास दी कुरबानी विच सारे विश्व भर दे लई जो भी ये करोना महामारी दे कारण साडे उत्ते दुख दी घड़ी आ चुकी है, असी अपने संसार नूं अपने देश नूं देश दे आगुआं नूं नेतावां नूं अते इसे तरह साडे कलीसिया दे सब आगुआं नूं परमेश्वर अगे समर्पित करदे हुए प्रार्थना करांगे। असी अपने गुनाह अते गलतियां नूं भी याद करांगे, सच्चे दिलों खुदा तों माफ़ी मंगांगे तां जो असी इन्हां पवित्र भेदां नूं योग ढंग नाल मना सकीए। मैं इकबाल करदा हाँ, पूरी कुदरत वाले खुदा अते तुहाडी अगे ऐ प्राओ अते पैनू कि मैं सोचे नाल बोलन नाल करन नाल अते अंगीली नाल बहुत गुनाह कीते, अपने दोष दे नाल अपने ही दोष दे नाल अपने बहुत वड्डे दोष दे नाल, इस लई मैं तन सदा कुआरी मरियम सारे फरिश्तियां अते संता अते तुहाडे अगे ऐ प्राओ अते पैनू मैं बेनती करदी हाँ कि मेरे लई प्रभु खुदा दे अगे प्रार्थना करो। पूरी कुदरत वाला खुदा साडे उत्ते दया करे अते साडे गुनाहां नूं माफ करके सानू सदीवी जीवन तक पहुंचावे, आमीन। ए प्रभु
दिया करो ए प्रभु दिया करो ए मसीह दिया करो ए शांति स्वर्ग दी विच वड़ियाई कुड़ी असी तेरे गाउंदे हां ती तन तन तेनू कहंदे हां करती हां आराधी राती महिमा तेरे असी कर दे हां स्वर्ग दी बादशाह खुदा बाप कुदरत वाली खुदा स्वर्ग दी विच वड़ियाई यीशु मसीह इकलौती बेटी बाप दी बेटी प्रभु खुदा असी प्रार्थना करिए है पूरी कुदरत वाले अते अकाल खुदा बाप तू सच्चाई दे शब्द नू अते पाक करन वाले रूह नू संसार उत्ते भेजिया अते इस तरह मनुख जाति लई अपने अति महान भेद नू जाहिर कीता बख्श दे कि सच्चे ईमान दा ऐलान करदे होए असी इस दीवी जलाल वाले पाक तसलीस नू मन लईए अते तेरी एकता दी बंदगी करिए जो अपने आलीशान प्रताप विच सब तो शक्तिशाली है साडे प्रभु यीशु मसीह तेरे बेटे दे राही जो तेरे नार रूपाक दी एकता विच एक खुदा जीवंदा ते राज करदा है सदा तो सदा ती कर आमीन पाठ पहला कूच दा ग्रंथ सो मूसा ने पहले वर्गियां ही पत्थर दियां दो फटियां कट के बनाईयां अते प्रभु दी आग्या अनुसार उन्हां नूं लै के पहाड़ ते चढ़ गया तद प्रभु ने बदल विच आ के मूसा कोल खलो गया अते उस नूं अपना नां प्रभु करके लिया फिर प्रभु उस नूं अग्यों दी ही कहिंदे होए लंघिया
मैं प्रभु हाँ जो दयालु कृपालु गुस्सा करने विच मठा अते तीरज रखन वाला हाँ प्यार अते सच्चाई नाल अति भरपूर प्रभु परमेश्वर। सो मूसा ने तुरंत धरती ते मूँह परने हो के प्रभु नू मत्था टेकिया तां तू साडे नाल चल यह तेरे अगे बेनती है। बेशक असी हठी लोग हाँ पर तू साडा अपराध माफ कर अते सानू अपने विरसा बना लै। ये प्रभु की बाणी है। खुदा दा शुक्र होवे। मुबारक खुदा है मुबारक खुदा मुबारक खुदा है मुबारक खुदा कि जिसने सुनी है मेरी हुण दुआ कि जिसने सुनी है मेरी हुण दुआ। मुबारक खुदा है मुबारक खुदा मुबारक खुदा है मुबारक खुदा। मेरी टाली ती जोरी हो आप है मेरी टाली ती जोरी हो आप है मेरे दिल दी टारी से उम्मीद आंदी जा मेरे दिल दी टारी से उम्मीद आंदी जा। मुबारक खुदा है मुबारक खुदा मुबारक खुदा है मुबारक खुदा। मदद मेरी रब है मैं उस तो हाँ खुश मदद मेरी रब है मैं उस तो हाँ खुश मैं गावांगा गजला विच उसकी सना मैं गावांगा गजला विच उसकी सना। मुबारक खुदा है मुबारक खुदा मुबारक खुदा है मुबारक खुदा कि जिसने सुनी है मेरी हुण दुआ कि जिसने सुनी है मेरी हुण दुआ। मुबारक खुदा है मुबारक खुदा मुबारक खुदा है मुबारक खुदा मुबारक खुदा है मुबारक खुदा। पाठ दूसरा संत पलूस अपने पत्र के अंत में कुरंथियां तो विदा होंदे समय ये बेनती करते हैं कि आपस में शांति अते प्यार बनाई रखन ते ए तां ही संभव होवेगा जेकर वो खुदा दे नाल मिल के रहनगे। इसलिए उन्हां लई शुभकामना करते हैं कि प्रभु येसु मसीह की कृपा खुदा का प्यार अते रूह पाक उन्हां नूं मिले। कुरंथियां दे नाम संत पलूस दा दूसरा पत्र उदा 13 बाब 11 ऐतोरा के 13 ऐतक खुदा दा वचन। यीशु मसीह दी दया खुदा दे प्यार अते रूह पाक दा मिलन है। आखिर विच भरावो अलविदा हर सह नू ते हर किसे नू उस दे थां टिकाणे रखो मेरी फरियाद सुनो एक दूजे नाल सहमत हो जाओ आपो विच शांति नाल रहो अते प्यार अते शांति नाल खुदा तुहाडे नाल होवेगा। पवित्र चुम्मन नाल एक दूजे नू सलाम कहो सब संत तहानू सलाम कहिंदे हन। प्रभु येसु मसीह दा फजल खुदा दा प्यार अते रूह पाक दी सांझ तुहाडे सारे दे नाल होवे। आमीन। ये प्रभु दी पाक पवित्र बाणी है। खुदा दा शुक्र होवे। Hallelujah, 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 Hallelujah. Saariyon ko mo taaliyan bajao, jay jay kaar naal rab nu pukaro. Saariyon ko mo
क्योंकि खुदा है भला ओ ही साड़ी है भला क्योंकि खुदा है भला ओ ही साड़ी है भला सबन सुनाओ सबन सुनाओ हालेलुया 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 प्रभु तुहाड़े नाल होवे अती तुहाड़ी रूह नाल भी होवे पाठ पवित्र अंजील दा संत यूहन्ना दे अनुसार तेरी वडियाई होवे ए प्रभु खुदा ने संसार नू इन्ना प्यार कीता कि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिता ताकि हर कोई जो उस उत्ते ईमान लियावे नाश ना होवे सगो अनंत जीवन पावे खुदा ने सच्ची अपने पुत्र नू संसार विच इसलिए नहीं कल्या कि वह संसार नू दोषी ठहराए सगो इसलिए कि संसार उसते राही मुक्ति पावे जो कोई उस उत्ते ईमान रखता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता जो ईमान नहीं रखता वह पहला ही दोषी ठहराया गया है क्योंकि उसने खुदा दे इकलौते पुत्र दे नां उत्ते ईमान ना रखिया प्रभु दी अंजील तेरी महिमा होवे ऐ मसीहा प्रभु यीशु मसीह विच एक बार फिर मेरे प्यारे भराओ भैणो अते बच्चियो अज पाकमा कलीसिया सचमुच साढ़े सामने एक बहुत वड्डे भेद नू जाहिर करती है एक अजेही सच्चाई है जिसनू समझना अते समझाउणा बहुत औखा है पर वो जड़े विश्वास करते हैं इस गल नू इस सच्चाई नू मन लेंदे हैं अते उही सच्चाई है जो असी ईमान दिया चार खास सच्चाइयां विच दूजे नंबर ते आखदे हाँ इस नू मन लेंदे हाँ केवल इको खुदा है अते उसे खुदा विच तीन सक्षण यानी बाप बेटा अते रूपाक साडी कलीसिया दे ईमान इसे विच ये है कि एक खुदा विच तीन सक्षण साडियां सारियां प्रार्थनावां साडियां सारियां बेनतियां जो भी हन वो इसे ईमान दे उत्ते शुरू हुंदियां हन अते खत्म हुंदियां हन मसीह दे विच प्यारियो असी पिछले हफ्ते पेंतेकोस्त दा त्यौहार मनाया सी जदों पवित्र आत्मा चुने हुए रसूलां दे उत्ते उतरिया सी पर ये पहली वारी नहीं सी कि पवित्र आत्मा ने अपना काम इस धरती उत्ते शुरू किया सी जदों असी वचन दे उत्ते गौर करांगे असी जाण लवांगे किवें एक खुदा अते उहदे विच जो तीन सक्षण उह सृष्टि दी रचना तो ही लगातार काम करदे आ रहे हन जदों असी उत्पादा ग्रंथ उहदा पहला बाप पढ़दे हाँ वचन दी शुरुआत विच ही सानूं दस्सिया जांदा है किवें सृष्टि दी रचे जाण दे समें एक खुदा अते उहदे विच तीन सख्श उत्थे मौजूद सन पहली आयत सानूं कहिंदी है आदि विच जदों परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की जानी उत्थे परमेश्वर सी खुदा बाप सी दो आयत विच वचन कहता है जदों खुदा दा आत्मा पानी उत्ते मंडरौंदा सी जानी उत्थे पवित्र आत्मा सी अते तीसरे आयत सानू एक गल दसदी है कि परमेश्वर ने कहा चानण हो जावे परमेश्वर ने कहा शब्द का इस्तेमाल किया अते शब्द जिहदे द्वारा सृष्टि की रचना की गई सी ओ यीशु मसीह जाने पाक तसलीस का दूजा शख्स है सो खुदा बाप सृष्टि की रचना करन दे समय रचनहारा सी पवित्र आत्मा पानी उत्ते मंडरौंदा सी सब चीज़ां नू बदल रहा सी अते इसे तरह वो शब्द जिहदे द्वारा सब चीज़ां की रचना की गई वह यीशु मसीह आप सी असरदायक शब्द सी जिसके बारे से कहते हाँ शब्द देतारी होया मनुख बनिया साडे विच कर डेरा लाया सो वचन साड़ी अगवाई करता है सानू दसता है कि किस तरह पाक तसलीसी खुदा सृष्टि के रचे जाते समय उत्थे मौजूद सी जो असी वचन वेखते हाँ उत्पादा ग्रंथ उहदा पहला बाप उहदी छब्बी आयत वचन कहता है परमेश्वर ने कहा हुण असी मनुख नू अपने स्वरूप उत्ते अपने वर्गा बनावांगे परमेश्वर कहता हुण असी इहदा मतलब है परमेश्वर इकला नहीं सी उहदे विच तीन सक्षण जो आपस में वंडे नहीं गए वह एक सांझ दे विच एक कठ दे विच एक एकताई दे विच रहिंदे हन अते उन्हां दी एकताई इहो जिही है कि वह तीन सक्ष होंदे होए भी एक खुदा हन
जो असीं नवें नेम दे वल ध्यान दिंदे हाँ, मरकुस दी अंजील उहदा पहला बाप, जिस समय येशु ने जरदन दरिया दे विच बपतिस्मा लिया, उस समय भी उत्थे तीन शख्स मौजूद सन। बपतिस्मा लैण वाला खुदा बेटा आप उत्थे बपतिस्मा लैण लई तैयार सी। वचन कहिंदा जिवें ही येशु पाणी तो बाहर निकलिया, स्वर्ग खुल गया अते पवित्र आत्मा जो पाक तसलीस दा तीसरा शख्स है वह कबूतर दे रूप दे विच येशु उत्ते उतरिया। अते जो पाक तसलीस दा पहला शख्स है यानी खुदा बाप, वचन कहिंदा स्वर्ग तो एक आवाज़ सुनाई दित्ती, ये मेरा प्यारा पुत्र है जिस तों मैं खुश हाँ। येशु दे बपतिस्मे दे समय खुदा बेटा उत्थे मौजूद सी, पवित्र आत्मा उत्थे मौजूद सी, खुदा बाप उत्थे मौजूद सी, ये तीनों शख्स एकताई दे विच उत्थे मौजूद सन। असी संत मत्ती दी अंजील विच येशु दे मूँह तो आप ये गल सुन लैंदे हाँ, जिस समय येशु अपने जी उठन तो बाद अपने चेलियां नू दुनिया दे विच प्रचार दे लई शुभ समाचार दे लई कलदा है, येशु मसीह वचन दे विच कहिंदा है संत मत्ती दी अंजील उहदा 28 बाप उहदी 19 आयत विच, सब लोकां दे विच जाओ अते उहनां नू बाप अते बेटे अते रूपाक दे नाम उत्ते बपतिस्मा दिओ, यानी पाक तसलीस खुदा दे नाँ उत्ते। इसे तरह जदों असीं प्रकाश की पोती विच वेखदे हाँ, जिस समय संत यूहन्ना ने स्वर्ग दे विच फरिश्तियां दी मंडली नू परमेश्वर दी आराधना करदे हुए सुनिया, प्रकाश की पोथी उहदा 4 बाप उहदी 8 आयत, फरिश्ते कहन लगे पवित्र पवित्र पवित्र, उन्हां ने 3 वार यह गल कही पवित्र पवित्र पवित्र, अते 3 वार जो पवित्र गल कही गई है ये पाक तसलीस के तिना शख्सा दे लिए इस्तेमाल की जा रही थी, जो अज भी पाक मासी कुरबानी विच पाक 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 कहिंदे हाँ। असी इन्हां 3 पाक तसलीस के शख्सा का इको बराबरी का आदर सम्मान अते आराधना करते हाँ, उसनू महिमा दिंदे हाँ। सो ये पवित्र गल्ला ये पवित्र भेदा की अगवाई पाकमा कलीसिया कर रही है, सानू सिखाउंदी है किस तरह असीं इस भेद उत्ते गौर करनी है, इसनू मन लेना है अते इसका ऐलान करना है। एक होर गल जो अज पाकमा कलीसिया सानू पाक तसलीस के बारे कहती है कि ये जो खुदाई शख्सा का इकट्ठ है ये किसी तरह वंड नहीं है, ये आपो विच वंडे नहीं गए, ये आपो विच बराबर हन अते मिले हुए हन। इसलिए असी कई बारी कहते हाँ कि ये कम अते मर्जी विच इकट्ठे हन, इन एक्शन एंड इन विल, कि इन्हां दा कम जो है वह इकट्ठा है, ये वक्रे वक्रे काम नहीं करते, अते जो इन्हां दी मर्जी भी है वह भी इकट्ठी है, वक् वक् मर्जी नहीं इन्हां दी। अते जदों इन्हां दा कम अते इन्हां दी मर्जी एक है, असी एक खुदा नू कम करदा देखदे हाँ। असी वेखदे हाँ संत यूहन्ना दी अंजील उहदा 6 बाप उहदी 38 आयत, येशु कहिंदा है मैं अपनी मर्जी नहीं सगों अपने घल्लण वाले बाप दी मर्जी पूरी करन आया हाँ। संत यूहन्ना दी अंजील उहदा 4 बाप उहदी 34 आयत, येशु कहिंदा है मेरा भोजन है कि मैं अपने घल्लण वाले दी इच्छा पूरी करा अते मैं उसदे कम नू पूरा कर देवां। सो अपने काम दे विच अते अपनी मर्जी विच ये तीनों शख्स बराबर हन, एक हन अते इन्हां दे विच किसे तरह का वंड नहीं है। एक होर गल जो असीं वेखदे हाँ वचन दे विच ओ ए है कि पाप जो है उहदा काम है वंड देना, साडे परिवारां विच जिन्ने लोक हुंदे उन्ने वंडे हुए हन, बाप की जो मर्जी है वह अलग हुंदी है, बेटे की मर्जी अलग, सस की जो मर्जी है वह अलग अते नौ की मर्जी अलग, इसे तरह मापिया की मर्जी अलग अते बच्चों की मर्जी अलग, अते एक परिवार हुंदे हुए भी असी आपो विच वंडे रहिंदे हाँ, लड़ाई हुंदी है, झगड़ा हुंदा है, असी अपने आप नूं एक दूजे नाल मेल नहीं करवा सकते क्योंकि साडियां मर्जियां वक्खरियां हन अलग अलग हन। पर पाक तसलीसी खुदा विच इस तरह का कुछ नहीं है, उन्हां दा कम भी एक है अते उन्हां दी मर्जी भी एक है। अते असी वेखदे हां जिस तरह पाप का कम वंडना है, जो साडे परिवारां विच पाप हुंदा उह सानू वक्खरा कर दिंदा है, सानू वंडदा है, पर असीं देखदे हाँ पाक तसलीसी खुदा विच कोई पाप नहीं है, खुदा दे विच कोई पाप नहीं, इसे करके खुदा दे विच कोई वंड भी नहीं है, वह वंडिया होया नहीं है, वह इकट्ठा है, क्योंकि खुदा दे विच पाप नहीं है अते उहदे विच वंड नहीं है। एक खुदा भावें 3 सक्शन वह आपो विच इस तरह जुड़े हुए हैं, असीं उसनू एक पाक तसलीसी खुदा कहिंदे हाँ। इस दे नाल ही असीं वेखते हाँ किस तरह ये पाक तसलीस के 3 शख्स साडी मुक्ति दे काम नूं जारी रखते हैं, साडी मुक्ति दे काम दे लई ये तीनों पाक तसलीस के शख्स हन, इन्हां ने अपनो अपनी भूमिका नूं निभाया है। इहदे बारे असीं वचन दे विच वेखते हाँ जो बाप है यानी पाक तसलीस का पहला शख्स है उसनों असी क्रिएटर यानी रचनहारा कहिंदे हाँ, जिहड़ा पाक तसलीस का दूसरा शख्स है जिसनों असी खुदा बेटा कहिंदे हाँ येशु मसीह है,
ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵੀਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਪਾਕ ਤਸਰੀਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਯਾਨੀ ਰੂਹ ਪਾਕ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਕਟੀਫਾਇਰ ਯਾਨੀ ਪਾਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਖੁਦਾ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਖਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਣੋ ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਰੇ ਬਚਾਈ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਆਦਰ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਅਸੀਂ ਯੇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਈਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਵੀ, ਖੁਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤਿੰਨੋਂ ਸ਼ਖਸ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸ਼ਖਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਆਦਰ ਪੂਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਦਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਪੂਰੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਦੇ ਸ਼ਖਸਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਮਹਿਮਾ, ਆਦਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਭੇਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਤਿੰਨ ਸ਼ਖਸ, ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਭੇਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੇਦ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਸਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਜੋ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੇਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸੀ ਖੁਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਜੋ ਇਕੱਠ ਇਸ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਕੱਠ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਂਝ ਬਾਪ, ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਠੀਕ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਤ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 14 ਬਾਪ ਉਹਦੀ 23 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ। ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਘਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਭਾਗਾ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸੀ ਖੁਦਾ, ਬਾਪ, ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕਲੀਸੀਆ, ਸਾਡੀ ਪੈਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਾਂਝ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਇਮਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਜੋ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਸੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਅਤੇ ਭੈਣੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੇਦ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਲੀਸੀਆ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਰੱਖੀਏ ਅਤੇ ਜੋ ਸਾਂਝ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਸ਼ਖਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਂਝ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਇਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ, ਜੋ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭੇਦ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਖਸਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ, ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਇਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਅਮ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ, ਉਸਨੇ ਪੈਂਤੁਸ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੀ ਐਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਉਠਾਇਆ, ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਬਰਜਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਉਤਰਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ,
आसमान ती चढ़ गया। खुदा बा पूरी कुदरत वाले दे सच्चे हाथ जा बैठा। जितो जीवने ते मोया दे इंसाफ कर ली फिर आवेगा। मैं ईमान रखनी हाँ रू पाक उत्ते, एक पाक कैथलिक कलीसिया, पाक लोकां दी शराकत, गुनाहां दी माफी, जिसम दा जी उठना, हमेशा दी जिंदगी उत्ते, आमीन। और उसी पाक तसली से खुदा दे उत्ते ईमान रखते हुए जो भी साडे बेनतियां हन, साडियां साडे परिवार दियां, साडे इस पैरिश दियां, खास करके असीं देश भर दे लई प्रार्थना करांगे अते खुदा दी बरकत साडे सारियां उत्ते मंगांगे। साडा अनुवचन होवेगा, ऐ प्रभु साडी दुआ सुन, ऐ प्रभु साडी प्रार्थना सुन। पाक कलीसिया दे सारे धार्मिक आगू अते ईमानदार एकता दा एहसास करन, एक दूजे दा आदर करन अते एक दूजे दे लई दुआ करना सिखन। अनुवचन, ऐ प्रभु साडी दुआ सुन। इस अलतार दे सामने हाजिर सारे ईमानदारां दे लई असी दुआ करिए कि असी सारे वक्रे होण ते भी पाक तलीस वांग एक होना सीखिए अते इकट्ठे समर्पण भाव नाल अगे वधिए। अनुवचन, ऐ प्रभु साडी दुआ सुन। असी अपने नौजवान लड़के लड़कियां दे लई दुआ करिए कि वह पाक तलीस तो सिक्ख्या हासिल करके एक दूजे की सेवा विच लग जान अते सारे की भलाई करना सीखन। अनुवचन, ऐ प्रभु साडी दुआ सुन। असी दुआ करिए कि जेरे ईमानदार इस पाक मास विच हिस्सा लै रहे हैं वह प्रभु येसु दे समर्पण भाव नू समझन अते उस दे मुताबिक व्यवहार करन सीखन। अनुवचन, ऐ प्रभु साडी दुआ सुन। और असी अपनी तमाम निजी जरूरतां नू खुदा दे अगे पेश करिए, खास करके आपसी एकता दे लई प्रार्थना करिए। वो एकता जो एक खुदा दे विच है वो साडे परिवारां दे विच, साडी कलीसिया दे विच, साडे देश भर दे विच, खुदा दियां तमाम संतानां दे विच आ जावे। असी मामण दी सिफारिश मंगदे आखांगे, सलाम ए मरियम, फजल नाल भरी हुई, खुदावन तेरे नाल है, तू औरतां विचों धन है, नाले धन है तेरे को खुदा फल येशु। ऐ हज़रत मरियम, खुदा दी माँ, असा गुना गल दुआ कर हुण ते साडी मौत दे वेले, आमीन। असी बेनतियां मंगदे हाँ साडे प्रभु येशु मसीह दे राही, आमीन। प्यारी प्रभु जी करियो कबूल दान मेरा, तुसी करियो कबूल दान मेरा। मेरे प्यारे प्रभु जी करियो कबूल दान मेरा, तुसी करियो कबूल दान। प्यारे प्रभु जी करियो कबूल दान मेरा, तुसी करियो कबूल दान मेरा, तुसी करियो कबूल दान मेरा, तुसी करियो कबूल दान मेरा। प्राओ ते पैनो प्रार्थना करो कि मेरी अते तुहाडी एक कुर्बानी पूरी कुदरत वाले खुदा बाप नू कबूल होवे। प्रभु इस कुर्बानी नू तुहाडे हत्थां दे विचों अपने नाम दी उस्तत ते वडियाई लई साडी अति सारी पाक कलीसिया दी भले लई कबूल करे। ऐ प्रभु साडे खुदा, अपने पाक नाम दे सदके साडी प्रोहिताई सेवा दे इस चढ़ावे नू पाक कर। इस राही तू सानू अपने लिए एक सदैवी नजराना बना दे, साडे प्रभु येशु मसीह दे राही,
आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। तुसी अपने दिल प्रभु वल लगाओ। असी अपने दिल प्रभु वल लगांदे हां। असी अपने प्रभु खुदा दा धन्नवाद करिए। ए सही अते योग है। ऐ प्रभु पवित्र बाप पूरी कुदरत वाले अते अकाल खुदा, ए सचमुच सही अते योग है, मुक्ति पाउण दा राह है कि असी हर वेले अते हर थां यीशु मसीह अपने प्रभु दे राहीं तेरा धन्नवाद करिए। तेरे खुदाई भेद उत्ते ईमान नूं असी बड़े आनंद नाल ऐलान करदे हाँ। तो अपनी शान नूं अपने बेटे दी शान अते रूपाक दी शान वजो भी जाहिर किया। तीन शख्स जिहड़े अपने इलाही कुदरत अते प्रताप विच बराबर हन अते महिमा वाली शान विच बिना भेदभाव दे हन। इको ही प्रभु अते इको ही खुदा जिस दी सदीवी महिमा दे अगे हमेशा तिकर आराधना की जाती है। इसलिए फरिश्तिया अते महा फरिश्तिया अते सारे स्वर्गी लश्करां नाल मिलके असी तेरी महिमा दे गीत गाउंदे होए ये ऐलान करदे हाँ। पाक 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 खुदावन सदा, पाक 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 खुदावन सदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा। खुदावन सदा लश्करां दा खुदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा। उतनी है खुदावन दे नाम दी उति जुआंदा ही उचियां विच ओ सेना, उतनी है खुदावन दे नाम दी उति जुआंदा ही उचियां विच ओ सेना। हुसना 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 हुसना, पाक 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 खुदावन सदा, पाक 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 खुदावन सदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा, खुदावन सदा लश्करां दा खुदा। ऐ प्रभु तू सचमुच पवित्र है अते सही है कि तेरी सारी सृष्टि तेरी वडियाई करे। तेरे बेटे साडे प्रभु यीशु मसीह दे राही अते रूह पाक दी कुदरत नाल तू सारे संसार नूं जीवन बख्शदा अते पाक करदा है। तू लगातार अपने लिए प्रजा इकट्ठी करदा रहिंदा है तां जो चढ़दे सूरज तों लैके लेंदे तक एक शुद्ध कुरबानी तेरे पवित्र नाम दे लई चढ़ाई जावे। इसलिए ऐ प्रभु असी हलीमी नाल तेरे अगे मिन्नत करते हाँ कि अपनी मेहर नाल उही रूपाक दे राही इन्हां नजरानियां नूं पवित्र कर जो असी तेरे पाक हजूरी विच लै के आए हाँ, तां जो तेरे बेटे साडे प्रभु यीशु मसीह दा बदन अते लहू बन जावे जिस दे हुक्म नाल असी इन्हां पवित्र भेदां नूं मनाउंदे हाँ। जिस रात उसका विश्वासघात किया गया उसने रोटी लई अते तेरा धन्नवाद करदिआं बरकत दित्ती, रोटी तोड़ी अते अपने चेलियां दित्ती ए कहंदे होए तुसी सारे ए लो अते इस विचों खाओ क्यों जो ए मेरा बदन है जड़ा तुहाडे लई कुर्बान कीता जावेगा। ए मेरी प्रभु ए मेरी खुदा। इसे तरह भोजन करन दे बाद उसने प्याला लिया तेरा धन्नवाद करदिया बरकत दिती, प्याला अपने चेलियां दिता है कहंदे होए तुसी सारे ये लो अते इस विचों पियो क्यों जे मेरे लहू दा प्याला है नवें अते सदीवी नेम दा लहू जो तुहाडे अते बहुतियां वास्ते
गुनाहां दी माफ़ी ले वहाया जाएगा। मेरी याद विच एक रिया करो। ए मेरी प्रभु, ए मेरी खुदा। ईमान दा पेत, ए दुनिया दे मुक्तिदाते, सानू बचा, क्यों जो तू अपनी सलीब अति जी उठन नाल सानू मुक्त कीता। इसलिए ऐ प्रभु, असी तेरे बेटे दे मुक्तिकारी दुख भोग, उसके जलाली जी उठन अते स्वर्ग विच चढ़ जान दी यादगारी मनाउंदे हाँ, अते उसके दूजी वारी आउण नू उडीकदे होए तेरा धन्नवाद करदे हाँ, ये जिउंदी अते पवित्र कुरबानी तेनू चढ़ाउंदे हाँ। असं बेनती करते हाँ कि तू अपनी कलीसिया के चढ़ावे उत्ते नज़र कर, इस कुरबान होए लेले नू पछाण जिस कुरबानी तो राजी हो के तू साडा अपने नाल मेल करवाया है। बख्श दे कि असी तेरे बेटे दे बदन अते लहू नाल रजाए होए अते उसके रूपाक दे नाल भरपूर हो के मसीह दे विच एक शरीर अते एक रूह बन जाइए। वो सानू तेरे लिए एक सदीवी नजराना बनावे तां जो असी तेरे चुनिया होया नाल खास करके तन कुआरी मरियम खुदा दी माँ दे नाल, उस एक कुआरी दे मुबारक वरसंत यूसुफ दे नाल, तन रसूला अते तेजस्वी शहीदा नाल अते तेरे सारे संतां नाल उना दे विरसे दे वारिस बन जाइए। इना वालों तेरी हजूरी च लगातार कीती जाण वाली सिफारिश दी यकीनी मदद उत्ते असी भरोसा रखते हाँ। ऐ प्रभु, असी बेनती करते हाँ कि साढ़े मुड़ मिलाप की एक कुरबानी सब दुनिया की शांति अते मुक्ति लई असरदायक होवे। तो कृपा करके इस धरती उत्ते फैली अपनी यात्री कलीसिया नू, अपने सेवक साढ़े संत पापा फ्रांसिस नू, साढ़े बिशप फ्रेंको बिशप एग्नेलो नू अते कुल दुनिया के बिशपा पुरोहिता अते सब लोगों नू जिन्हां तो अपना बना लिया है ईमान अते प्यार विच मजबूत बनाउण दी मेहरबानी कर। कृपा करके इस परिवार दीआं प्रार्थनावां नू कबूल कर जिस नू तू अपने सामने सदन की मेहर कीती है। ऐ दयालु बाप, संसार भाव विच खिलरे होए अपने सारे बच्चों अपने कोल इकट्ठे करन दी कृपा कर। साडे मोए होए भैन भरावां अते उन्हां सारियां नू जिहड़े तैनूं खुश करदे संसार विचों चलाना कर गए हन मेहर नाल अपने राज विच दाखिल कर। उत्थे असीं तेरी वड्डी शान दी खुशी विच सदा निहाल रहन दी उम्मीद रखदे हाँ, साडे प्रभु मसीह दे राहीं जिस दे राहीं तू दुनिया नू हर चंगी दात बख्शदा है। उसते राही अते उसते नाल अते उसते विच ऐ खुदा पूरी कुदरत वाले बाप, रूपाक दी एकता विच सब जलाल अते वडियाई तेरी ही है, सदा तो सदा ती कर। आमीन। खुदा बाप दे प्यार उत्ते भरोसा रखते हुए उस सारे मिलकर उही प्रार्थना कहांगे जो साडे मुक्तिदाता प्रभु येशु ने सानू सिखाई है। ऐ साडे बाप, जिहड़ा आसमान ते है, तेरा नाम पाक मनिया जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी होवे, साडे रोज दी रोटी अज सानू दे, साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह असीं अपने कसूरवारां नूं माफ करदे हां, सानू अजमाइश विच ना पा सगो बुराई तो बचा। ऐ प्रभु, असीं प्रार्थना करदे हां सब बुराइयां तो सानू बचा, अपने रहम नाल साडी दिनां विच शांति दे तां जो ते दया दी मदद नाल असीं हमेशा गुनाहां तो मुक्त रहीए अते हर मुसीबत तो सुरक्षित रहीए। ये मुबारक उम्मीद रखदे होए असीं यीशु मसीह साडे मुक्तिदाते दे आउण दी उडीक करदे हां। क्यों जो रास कुदरत ते जलाल युग युग तेरा ही है। ऐ प्रभु यीशु मसीहा, तू अपने रसूलां नू आख्या मैं तुहानू शांति दिंदा हाँ, अपनी शांति मैं तुहानू प्रदान करदा हाँ, तू साडे गुनाहां नू नहीं सग अपनी कलीसिया दी ईमान नू वेख अते उसनू अपनी मर्जी मुताबिक शांति अते एकता प्रदान कर। तू जो जीउंदा ते राज करदा है सदा तो सदा ती कर। आमीन। प्रभु दी शांति सदा तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल वी होवे। आओ असी आपो विच शांति दा सलाम देईए।
एलीली खुदा दी तू दुनिया दी गुनाह चुके ले जाना है। एलीली खुदा दी एलीली खुदा दी साड़ी उते दया करो। एलीली खुदा दी तू दुनिया दी गुनाह चुके ले जाता है। एलीली खुदा दी एलीली खुदा दी साड़ी उते दया करो। एलीली खुदा दी तू दुनिया दी गुनाह चुके ले जाता है। एलीली खुदा दी एलीली खुदा दी सानू शांति प्रदान करो। सानू शांति प्रदान करो। वेखो खुदा दा लीला इनू वेखो जब दुनिया के गुनाहों चुक लिया जाता है। तन वह लोग हैं जो लेले के भोज लिए सदे गए हाँ। ए प्रभु मैं इस योग नहीं हाँ कि तू मेरी शर्त ले आवे पर एक ही शब्द आख अति मेरी रूह चंगी हो जाएगी। पक्ष रख लैन तो पहला दी दुआ। ए मुबारक मरियम तेरा प्यारा बेटा रोटी के रूप में साढ़े दिलों में आने वाला है। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਐਸਨ ਯੂਸਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ। ਆਮੀਨ। ਤੇਰਾ ਬਦਨ ਪਿਖਾਵਾ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਲੇ ਚ ਪੀਵਾ ਯਿਸੂ तेरा बदन में खावा यीशु तेरे प्याले जो पीवा यीशु। मेरी जिंदगी का मालिक है तू तीतो बारे में जावा यीशु। मेरी जिंदगी का मालिक है तू तीतो बारे में जावा यीशु। तेरी शक्ति भरा रू अपनी ताजा करो खुद विच तेरी शक्ति भरा। तेरा शुक्र करा मैं सदा हरी ताते सुनावा यीशु। तेरा शुक्र करा मैं सदा हरी ताते सुनावा यीशु। तेरा बदन में खावा यीशु तेरे प्याले चो पीवा यीशु। मंगी तेरा फिरा ही माफी किता माफ तू मेरे साफी। मंगी तेरा फिरा ही माफी किता माफ तू मेरे साफी। क्यों ना हर पल ते हर में घड़ी तेरा शुक्र मनावा यीशु। क्यों ना हर पल ते हर में घड़ी तेरा शुक्र मनावा यीशु। तेरा बदन में खावा यीशु तेरे प्याले जो पीवा यीशु। मेरी जिंदगी का मालिक है तू तीतो बारे में जावा यीशु। तीतो बारे में जावा यीशु। तीतो बारे में जावा यीशु। पक्ष रख लैन दे पिछों दी दुआ। सिजदे दा अमल ऐ इलाही यीशु जिहड़ा सचमुच मेरे दिल विच आया है
ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਲਿਕ ਅਤੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ, ਵਡਿਆਈ ਅਤੇ ਬੰਦਗੀ ਸਦਾ ਤੀਕ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੰਡਿਆਂ ਤੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਐ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਿਸੂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂ? ਮੈਂ ਕੱਖ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ? ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਗੀਤ ਸਦਾ ਹੀ ਗਾਵਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਰੂਹ, ਖਿਆਲਾਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ, ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਨਾਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਗੁਨਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਫ ਰੱਖ। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚਲਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਅਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਧੀਕ ਜਾਣਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਆਮੀਂ। ਦੁਆ ਐ ਰੂਹ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਕਰ। ਐ ਬਦਨ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਐ ਲਹੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਜ਼ਾ। ਐ ਪਾਣੀ ਮਸੀਹ ਦੀ ਵੱਖੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਧੋ ਦੇ। ਐ ਦੁੱਖ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ। ਐ ਰਹਿਮੀ ਯਿਸੂ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਵਿੱਚ ਛਿਪਾ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੈਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਅਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਦਾ ਤੀਕਰ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂ। ਐ ਨਰਮ ਦਿਲ ਯਿਸੂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਾਂਗ ਹਲੀਮ ਅਤੇ ਨਰਮ ਬਣਾ ਦੇ। ਆਮੀਂ। ਐ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਇਆਵਾਨ ਖੁਦਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਜੋ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਸਰਦਾਇਕ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ, ਇਸ ਸਾਕਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ। ਬਖਸ਼ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਸਦੀਵੀ ਪਾਕ ਤਸਲੀਸ ਅਤੇ ਅਣਵੰਡੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ, ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟਾ ਅਤੇ ਰੂਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਚੜਾਈ ਗਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਦੁਆ ਯਾਦ ਕਰ, ਯਾਦ ਕਰ। ਐ ਨਿਹਾਇਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ, ਪੇਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਨਾਹ ਲੱਭਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦਿਆਂ ਤੇਤੋਂ ਖਾਲੀ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਐ ਕੁਆਰੀ ਕੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਇਸ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੱਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹੀ ਰੋਂਦੀ ਹਾਂ। ਐ ਦਿੱਤਾਰੀ ਹੋਈ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੀ। ਆਮੀਨ। ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ। ਮਰੀਮ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮਰੀਮ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮਰੀਮ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮਰੀਮ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ।
की माता, दुखियों की माता, रोगियों की माता, मरियम माँ। पापियों की माता, दुखियों की माता, रोगियों की माता, मरियम माँ। मरियम माँ मेरी माँ, मरियम माँ मेरी माँ, मरियम मा,